on a hoo-hoo. जवाल सरदारी अस्सलाम वालेकुम मियां जहूर मलकुती। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज मियां? ऊपर वाले का मियां, ये बड़ा अच्छा हुआ कि इस बार हम दोनों का एक साथ बख्तियार आना हुआ। बिल्कुल अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि एक से भले दो और दो से भले तीन मित्र। तीन भाई चित्र से बगदाद में अभी अभी आगमन हुआ यहाँ। आप प्रणाम। अरे क्या मिलिए सर। जरूर बाबा जवाल बाबा क्या बात है, मजा आ गया। बात है चित्र से, तुम भी आ गए बगदाद में। और क्या पापी पेट का प्रश्न है जो इसीलिए देश विदेश का भ्रमण करना पड़ता है। मियां चित्रसेन एक बात बताइए। हाँ? क्या सिर्फ पापी पेट का सवाल है? सर्वप्रथम पापी पेट, उसके पश्चात समेट, उसके पश्चात लव। ये आज हम तीन जो मिले हैं तो कसम से मजा आ जाएगा आपकी महफिल का। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सर और सुंदरी ये सुल्तान तुगरिल सिपा सालार कासिम खावरी तशरीफ रखिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ है आप दिनों को साथ देखकर। जरूर, ये भी इत्तेफाक है कि हम जब भी किसी मुल्क में जाते हैं हम तीनों की आपस में मुलाकात हो ही जाती है। अवश्य अवश्य अवश्य। हे दयानिधान, हम किस मुंह से आपका धन्यवाद करें कि आपने हमें राजसी निमंत्रण देकर यहाँ आमंत्रित किया है। मियां मियां, ये क्या देकर क्या किया है? मित्र, राजसी निमंत्रण का अर्थ है शाही दावत देकर हमें यहाँ बुलाया है। भाई आप तीनों तो हमारे खास मेहमान होंगे, खास मेहमान। अरे हुजूर, वो हम हमेशा से होते आ रहे हैं, लेकिन हुजूर इस बार आपसे हमारी एक दरख्वास्त है। हुजूर, इस बार आपको पहले हमारी एक दावत कबूल करनी होगी अगर आप बुरा न माने तो। हुजूर, दावत? कैसी दावत? हुजूर, आज रात हम एक रक्स और सुरूर की महफिल आरस्ता कर रहे हैं। आप दोनों भाई अगर चाहे तो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या ख्याल है कासिम खावरी? भाईजान, दावत में हम सबसे आगे और अदावत में सबसे पीछे हो।
क्या सोच रहे हैं उस्ताद मोहतरम? शहजादी, हम यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन शहजादी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले जाफर तक पहुंचना होगा। उसे खत्म करने के बाद ही हम शहजादी को यहां से रिहा करके ले जा सकते हैं। तो अब जाफर तक पहुंचने में क्या मुश्किल है? शहजादी, हम अगर जाफर तक पहुंच भी गए तो भी हम उसे तब तक नहीं मार सकते जब तक उसके गले में वो काले हीरे का हार पड़ा है। वही तो उसकी ताकत है। बस अब ये देख रहा है शहजादे कि वो हार पहनकर सोता है या उसे उतार कर रख देता है। और ये काम अभी नहीं, रात के तीसरे पहर होगा। इतना इंतजार क्यों उस्ताद मोहतरम? क्योंकि यही वक्त गहरी नींद का होता है शहजादे, और इसी वक्त महल के पहरेदार अपनी पलकें झपकते हैं। बस हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे, और यही गहरी नींद जाफर के लिए मौत का पैगाम बन जाएगी। अजीज जाफर, जाग। जाग जाफर। बदी, तुम यहां? क्या बात है? बदी तुझे एक खतरे से आगाह करने आई है। खतरा? तू यहां आराम से सो रहा है और वहां तेरी मौत तुझे हमेशा की नींद सुलाने को बेकरार है। क्या? हाँ जाफर, जश्न में शरीक होने के लिए जो मेहमान तेरे शाही महल के मेहमान खाने में ठहरे हैं, उनमें से एक तेरा दुश्मन जो तुझे कत्ल करने का मंसूबा रखता है, जादूगर के भेस में है वो। मगर शाही मेहमान खाने में तो बहुत से मेहमान ठहरे हैं, उसकी कोई खास पहचान? के पास एक सफेद किताब है, वो हमेशा उसे अपने पास रखता है। किताब उसका इल्म है, ताकत है उसकी। जा जाफर, जो करना है फौरन कर ले, वक्त बहुत कम है। पति का काम खत्म हुआ। हुक्म खुदावन। वजीर तुगरल को बुलाओ फौरन। जो हुक्म खुदावन। हाँ चलो। हुजूर, हाँ हुजूर, आपने पजामा नहीं पहन रखा। अच्छा एक काम करो, तुम पजामा पहन के आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। नहीं नहीं, एक काम करो, मैं पजामा पहन के आता हूँ, तुम मैं इंतजार करो। चाओ 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 चाओ। खुदावन जाफर ने बोला मुझे फौरन जाना है। पजामा किधर? मिल गया। खुदावन, वजीर तुगरल, खबर मिली है कि जश्न में शरीक होने के लिए शाही मेहमान खाने में जो मेहमान आके रुके हुए हैं, उनमें से एक हमारी जान का दुश्मन है। वो हमें कत्ल करने के इरादे से यहां पहुंचा है। यह कैसे मुमकिन है खुदावन? इस महल में तो मौत भी आपकी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकती। किसी दुश्मन की क्या मजा? ये वक्त खुशामद करने का नहीं है तुगरल। मेरी बात को गौर से सुनो। वो शख्स एक जादूगर के भेस में यहां आया है। उसकी खास पहचान यह है कि उसके पास एक सफेद किताब है।
उसे वो हमेशा अपने साथ रखता है। अब आप हमारे उस्ताद का कमाल देखिए। उस्ताद शागिर तूफानी। उस्ताद ये पत्थर है, इस पत्थर को हीरा बना दीजिए। वजीर सुल्तान इजाजत है? कमाल पूरा कर दे सवाल, तसव्वुफ न जीरा, बना दे पत्थर को हीरा। खुदावंद ये भेड़िया मेरी नजर में है, उसे फौरन हमारे सामने हाजिर करो वजीर तुगरल। कसम ए आतिश नमरूद की, हमारे गुस्से की भूख उसका इंतजार कर रही है। आपके गुस्से की भूख को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अना आलिम खाकानी ख्वाबे गफलत से जागी। नेकी, तुम्हारा यह आना किस बात की दलील है? आपके आने की खबर जाफर को मिल चुकी है और उसने अपने वजीर तुगरल को आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। आप जल्द से जल्द यहां से चले जाएं, वक्त बहुत कम है, वो लोग किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं। शुक्रिया निकी, शुक्रिया। चलो शहजादा, चलो। भी माफ कीजिएगा, मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए शिकायत करूंगी। देखिए शहजादी, मैंने आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। दरअसल बात यह है, दो चोर घुसाए महल में, बड़े खतरनाक इरादे से। एक बूढ़ा और एक कमसिन लड़का। नहीं नहीं, एक बूढ़ा एक कमसिन लड़का। आपने उन दोनों को देखा है? नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है। कुछ नहीं, माफ कीजिएगा। चलो क्या देख रहे, उनको फॉलो करो। क्या हुआ? वो कुछ कह रहा था। दो चोर महल में घुस आए हैं, एक बूढ़ा और एक कमसिन लड़का। कहीं वो आलिम खाकानी और मेरे भाई तो नहीं? और अगर हो भी तो मौला उनकी हिफाजत करे,
चलिए शहजादे, अंदर चलिए। चीख, इस तरह फॉलोक अरे हू हू लकीर खून की लकीर हमें उन तक पहुंचाएगी। चलो चलो, तुम्हारे पांव से निकली हुई खून की धार हो सकता है हमारी गिरफ्तारी का सबब बन जाए। लो चलो बताओ, उनकी लकीर तो यहां खत्म हो गई। तुम दोनों चले जाओ, तुम तो मेरे पीछे। अब से कुछ ही देर में देखिए, औरों का घर बसाते बसाते अपनी ही बेटियों के हाथ पीले न कर पाने के दर्द से जूझती एक औरत की दास्तान, मेहंदी तेरे नाम की। ZTV पर अगला प्रोग्राम।